नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। लेके आया हूँ किसान भाइयों के लिए कमाल की जानकारी। किसान भाइयों, आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हमें मशरूम फार्मिंग में जो यूज होने वाली मशीन इक्विपमेंट होते हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाए, तो हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर जिसमें हम जानेंगे मशरूम की मशीनें आप कहाँ से खरीदें। आपके बहुत सारे कमेंट आए थे सर हमें मशीनें खरीदनी पड़ती है तो पंजाब या हरियाणा से ही मंगानी पड़ती है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी हमको जानकारी नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे मशरूम उगाने के लिए जो जो भी मशीन यूज होती है ऐसे हम सारी बातें जानेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थोड़ा सा सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। धन्यवाद विकास जी। हम लोग SM बायोटेक मुजफ्फरनगर, हम लोग मशरूम की मशीनरी बनाते हैं और इसके अंदर जितनी भी मशीनें इस्तेमाल होती हैं हम सभी सब कुछ बनाते हैं। जनरली जो हरियाणा और पंजाब में मशीन मैन्युफैक्चरिंग है वो या तो खाद बनाने की मशीनें बनाते हैं या फिर इसको रेफ्रिजरेशन की मशीनें बनाते हैं, किंतु हम सभी प्रकार की सभी तरह की मशीनें बनाते हैं और सिर्फ मशरूम की ही बनाते हैं। एक बार विस्तार से थोड़ा बताएं कौन कौन सी। जी, मशरूम में काफ़ी सारी मशीनें इस्तेमाल होती हैं। मैं शुरू से शुरू करता हूँ। इसमें सबसे पहले खाद बनाने के लिए मशीनें लगती हैं, जैसे फेज़ वन के ब्लोअर लगते हैं, फेज़ टू की टनल बनती है, उसके ब्लोअर्स मशीनें लगती हैं जो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक होती हैं। बंकर्स को, टनल्स को फिलअप करने के लिए फिलिंग लाइन बनती हैं, बंकर फिलर्स बनते हैं, टर्नर्स बनते हैं हैवी मशीनरीज में, ठीक है, JCB बनती है, ट्रैक्टर लोडर लगते हैं, वो सभी मशीनें हम लोग बनाते हैं खाद बनाने के लिए। ग्रोइंग के लिए कमरे बनते हैं, आजकल आधुनिक तकनीक के हिसाब से पफ पैनल के कमरे बनते हैं जो कि इंसुलेटेड होते हैं, उसमें सिविल का कंस्ट्रक्शन बहुत कम होता है, जिसे फर्श बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अंदर उसकी मशरूम को लगाने के लिए रैक्स बनती हैं जो लोहे की होती हैं, GI की और एल्यूमिनियम की भी होती हैं। उसके अलावा एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगता है। जनरली लोग मशरूम में इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग लगा के उगाने की कोशिश करते हैं किंतु वो ठीक नहीं है। मशरूम के लिए ऐसी मशीन लगती है जिसमें कि टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी और CO2 भी मैनेज हो सकती है। एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम हम लोग इनको बोलते हैं, हम वो मशीनरी बनाते हैं। इसके अलावा मशरूम में जैसे वर्टिकली हाइट पे काम होता है, लगभग 7-8 रैक तक काम किया जाता है, तो उसके लिए ट्रॉलीज लगती हैं। अच्छा सर, मैं आपकी बात रोक के एक बात पूछना चाहूँगा, जो हमारे किसान भाई ये छोटे स्तर पर करते हैं, बम्बू वगैरह लगा देते हैं और बाद में उनको दिक्कत आती है सर हमारी मशरूम उगी नहीं, नुकसान हो गया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, बम्बू लगा के उगाने में नुकसान ये रहता है कि बम्बू खुद एक वुडन स्ट्रक्चर है जिसमें कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो मशरूम में फंगस इन्फेक्शन आते हैं जैसे वेट बबल हो गया या ड्राई बबल हो गया, ये सब बम्बू के साथ साथ फैल सकते हैं। उसकी जगह आपको पक्का स्ट्रक्चर लगाना चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन कम से कम हो सके, ये एक मुख्य कारण है इस तरह की ग्रोइंग को बनाने में। दूसरा, अच्छी खाद ना बन पाना। आप यदि लॉन्ग मेथड से बनाते हैं खाद, क्योंकि इसमें दो तरह से तैयार रहती है, एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्ट मेथड, यदि आप लॉन्ग मेथड से बनाते हैं तो उसके अंदर आपको इन्फेक्शन पूरे तरह से फ्री नहीं होता, तो कहीं ना कहीं घाटा होने का पूरा चांस रहता है। बिल्कुल, पूरी तरह से चांसेस होते हैं उसके। क्या सलाह देना चाहेंगे इसके? आपको देखिए, हर तरह के किसान भाई के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, ऐसा ही नहीं है कि बड़े सर, छोटे स्तर पर बताएं। छोटे स्तर पे आपको कम से कम इसमें पाश्चराइजेशन के लिए एक कमरा ज़रूर बनाना चाहिए जिसे पाश्चराइजेशन टनल कहते हैं, उसकी मशीन ज़रूर लगाएं, ठीक है। फेज़ वन की बंकर का काम भी पाश्चराइजेशन टनल के साथ किया जा सकता है, वो भी हमारे पास तकनीक है कि उसे ही हम दूसरी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। छोटे किसान भाइयों के लिए वो सबसे अच्छा है। उसके अलावा अपना स्ट्रक्चर जो भी है मिट्टी का उसे पक्का करें और कमरे जो बनाएं वो पक्के बनाएं, पफ पैनल के बनाएं, तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस बेहद कम होंगे। सर, कोई किसान भाई मशरूम फार्मिंग चालू करना चाहता है, कम से कम बजट पर उसका कितना खर्चा आएगा अगर आपके हिसाब से स्ट्रक्चर लगा के वो काम करता है? ये सबसे छोटे फार्म के हिसाब से यदि आपको लगातार काम करना है तो आपको दो कमरे बनाने होते हैं और सबसे छोटे कमरे का स्ट्रक्चर का बजट लगभग 20 से 25 लाख रुपए का होता है, जिसके लिए सरकार लोन और सब्सिडी दोनों ही देती है। कम से कम 25 लाख में लगेगा? 20 से 25 लाख रुपए के आसपास, सब कुछ खर्च मिला के। इसमें आपका सिविल का खर्चा भी आता है, ये सिर्फ मशीनों का खर्चा नहीं है, मशीनों का खर्चा इसमें मात्र 10 लाख के आसपास होगा, है ना। बाकी सब खर्चा आपको फर्श कराना, बाउंड्री सब, ये सब कामों में होता है। सर, बात करें इसके मुनाफे की, 25 लाख हमने लगा दिए और किसानों ने मटन मशरूम लगाया, तो कितने दिन में हमारा रिकवर हो जाएगा पैसा?
किसी भी मशरूम फार्म का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लगभग पूरा पैसा 2.5 साल के अंदर फ्री हो जाता है। 2.5 साल के अंदर फ्री हो जाता है, छोटे फार्म का 3 साल में, बड़े फार्म का 2 साल में। अच्छा सर, आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी हमें सर महेश्वर सर ये भी बताइए, जो हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो हमारा इन्वायरमेंट है, कौन सी किस्म लगानी चाहिए मशरूम की, आपको ज़्यादा पता है क्योंकि आपको काफ़ी टाइम हो गया। जी देखिए, मशरूम की किस्म हम लोग प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट में करते हैं, कमरों के अंदर करते हैं, तो आप कुछ भी लगा सकते हो। वैसे बटन मशरूम ही सबसे ज़्यादा ग्रो होता है क्योंकि कमर्शियली ये सबसे ज़्यादा वायबल है, आपको मशरूम बेचने में कभी समस्या नहीं आएगी। अदर मशरूम जैसे ऑयस्टर हो गई या मिल्की हो गई, जिनका मार्केट कैप बहुत छोटा है, वो आप सेल करने में समस्या आती है। तो जो भी लोग ग्रो करते हैं शुरुआत में, सबको बटन मशरूम ही ग्रो करने के लिए मैं कहूँगा। अच्छा सर, अब हमारे दर्शकों को ये बताइए, कोई किसान भाई इस वीडियो को देख के आपसे मशीन परचेस करना चाहता है, उत्तर प्रदेश से तो यहाँ आ जाएगा, बंगाल के किसान है, पूरे इंडिया के किसान है, तो उनके लिए क्या सुविधा है ये बताइए, और कितना एडवांस जमा करने पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हम लोग ना सिर्फ इंडिया के स्तर पर, हम लोग एक्सपोर्ट स्तर पर ज़्यादा कार्य करते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी तक बहरीन, नेपाल, मलेशिया, कीनिया, इन सभी देशों में अपनी मशीनें एक्सपोर्ट की हैं, वहाँ प्लांट लगाए हैं, और भारत देश के अंदर भी लगभग सभी कोनों में हमने काम किया है। अरुणाचल प्रदेश में भी मैंने काम किया है, चेन्नई में भी किया है, बंगाल में भी किया है, और सभी जगह हम लोग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। बस दूरी के हिसाब से हम लोगों को अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ता है। यदि आप दूर बैठे हैं तो हमें उस स्तर से तैयारी रखनी पड़ेगी। यदि आपको कल कोई समस्या आती है मशीन में, सर्विसिंग की इशू, क्योंकि ये इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है हमारी, तो इसमें अगर सर्विस की इशू आती है तो हमारे पास आपका लोकल एक सर्विस सेंटर हम आपको देते हैं, जिससे कि आप वहाँ पर समस्याएँ अपनी निदान कर सकें। यदि कोई समस्या वहाँ निदान नहीं हो पाती, तो जितना समय यहाँ से आपके पास आने में लगता है बाई फ्लाइट या बाई ट्रेन, हम लोग आपके पास पहुँच जाते हैं। तो हमारे लिए दूरी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो सर, अगर कोई किसान भाई मतलब लगाना चाहता है, उसने पूरा मन बना लिया है, उसके लिए उसको क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे उसके बारे में बताइए, यहाँ विजिट करना पड़ेगा या आप चाहे यहाँ विजिट कर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा है, यदि आपकी इच्छा है आप फ़ोन पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर बता दें, 8171599292, ये हमारा कंपनी कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके अतिरिक्त भी हमने कई नंबर हैं हमारे पास, जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। सर, मैं वो सारे नंबर में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर लेना। जी, तो इन पे आप संपर्क करके हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एडवांस की सिचुएशन हमेशा यही रहती है कि आप बेसिक मिनिमम एक 25-30% आप एडवांस पे डिपॉजिट करके आप डिस्पैच के समय पर पूरा पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा सर, ये भी किसान भाइयों के बहुत ज़्यादा कमेंट और क्वेश्चन आते हैं, पूरी पेमेंट करनी है, ईएमआई की कोई सुविधा है, लोन वगैरह की, उसके बारे में? ईएमआई की सुविधा नहीं होती है अभी ना, लोन की सुविधा, बैंक लोन आपका हो सकता है, उसके लिए आप कोटेशन फाइल करके दे देंगे? उसके लिए हम कोटेशन, रिपोर्ट सब कुछ आपको दे देंगे, जो आपको अपने लोकल बैंक में मान्य होगी, और हमारी कंपनी की रेपुटेशन के अकॉर्डिंगली आप हमारे कोटेशन को या हमारी रिपोर्ट को पूरे देश में कहीं पर भी लागू कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद विकास जी। तो दोस्तों, आपने जाना महेश्वरी जी से मशरूम की सारी मशीनों की जानकारी के बारे में। अगर आप कोई भी मशीनरी खरीदना चाहते हैं तो सर का नंबर मैंने नीचे का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो आप इनसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत जल्द मिलता हूँ ऐसी आने वाली किसानों संबंधी वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ।